खबर शामिल करते चले बोहाना से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर इकराम मुस्तफा ने 22 करोड़ की ग्रांट से 3 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से हम जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बोहाना 3 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। 22 करोड़ रुपए की ग्रांट से वन वे रोड तमीर होगा। इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा और नंबरदार चौधरी अतीकुर रहमान गुज्जर ने किया। 0 पॉइंट से डिग्री काले तक का 3 किलोमीटर तक का वन वे रोड की तमीर शुरू हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा ने इफ्तिताह करते हुए बताया कि ये रोड वन वे तमीर होगा, जिसके दोनों तरफ टफ टाइल के साथ फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। इनका कहना था कि 22 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड तमीर होगा। नंबरदार चौधरी अतीकुर रहमान गुज्जर का कहना था कि ये जी हमारी ग्रांट जो है 22 करोड़ रुपए की है, 3 किलोमीटर जो ये सड़क है वन वे होगी, डबल सड़क होगी, साथ जो टफ टाइल्स हैं और स्ट्रीट लाइट्स हैं। मैडम इकरा मुस्तफा साहब अभी तशरीफ लेके तो आज इफ्ताह किया जी, ये माँ गुलाम मोहम्मद साहब ने अपनी जाती ग्रांट से वफाक से हम ये ग्रांट दी है बोहाना के लिए। ये बहुत ही अच्छा पैकेज है जी, और बोहाना की खूबसूरती में इंशाल्लाह और इजाफा हो जाएगा। और मार गुलाम मोहम्मद साहब के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हम पे ये मेहरबानी की है और बोहाने के लिए इतनी बड़ी 22 करोड़ की ग्रांट दी है। था कि मैंने मार गुलाम मोहम्मद लाली की खसूसी ग्रांट से ये रोड तमीर हो रहा है। इस रोड की हालत इंतहाई खस्ता हाल थी, जिस वजह से आए रोज़ हादसा हो रहे थे। MNA मार गुलाम मोहम्मद लाली का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बिग न्यूज़ बोहाना।